Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll be discussing the wind turbine, its components and types, which is the lecture number 8 of our course. I hope कि अभी तक जो जो पढ़ाया जा रहा है वो किसी ना किसी हद तक जो है रिव्यू हो रहा होगा. वैसे तो खैर बड़ी डिस्करेजिंग किस्म की जो है ना वो फ़िलहाल तो जो व्यूज़ हैं वो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोग जो है वो अपने टाइम पे जो है उसको देखते हो. तो इसी खुशफहमी के साथ आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली विंड टर्बाइन के ऊपर है, उसके कंपोनेंट्स के ऊपर और टाइप्स के ऊपर है. ठीक है. अच्छा, इस लेक्चर को जो है वो मैं बेसिकली स्टार्ट वाली स्लाइड जो है वो दिखाऊंगा, और वो दिखाने के बाद फ़ौरन से पहले भाग के लेक्चर नंबर स्लाइड नंबर 5 पे आऊँगा. ठीक है. और वो डिस्कस करने के बाद आई विल देन डिस्कस 3 एंड 4. सो व्हाट इज़ अ विंड टर्बाइन? मैंने पहले बताया था कि हर वो चीज़ जो कि ऐसी है वो विंड टर्बाइन है. क्या है ये? देखा होगा आप लोगों ने आमतौर पे, शायद पाकिस्तान में लाइव लगा हुआ कम देखा हुआ आपने, अल्दो के सिंध वाले कई पार्ट्स में लगी हुई हैं ये, लेकिन फिर भी हमने कम देखी है ये पाकिस्तान के अंदर. ये होता क्या है कि एक बड़ा सा टावर होता है, उसके ऊपर एक पंखा सा लगा हुआ होता है. मैं बड़ी क्रूड लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बड़ी देसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कि एक 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 पोल सा होता है, उसके ऊपर पंखा सा लगा हुआ होता है, और पंखे के ऊपर हवा लगती है, तो ये पंखा जो है ना ये बेसिकली प्रोपेल करता है. सो ये बेसिकली जो है जो प्रोपेलर है ये वाला जो पंखा लगा हुआ है, ये बेसिकली आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है ये वाली, ये विंड टर्बाइन है. ठीक है. अच्छा, अब ये करती क्या है कि बेसिकली वो कहता है कि जी विंड टर्बाइन टर्न्स द रोटर ऑफ द, बेसिकली द विंड टर्न्स द रोटर ऑफ विंड टर्बाइन. रोटर बेसिकली क्या होता है? ये चीज़, इसको रोटर बोलते हैं, जिसके पीछे से ये पंखा घूमता है, जिसकी मदद से पंखा घूमता है, उसको रोटर बोलते हैं. मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करूँगा स्लाइड नंबर 5 पे. लेकिन होता क्या है कि जो रोटर है वो बेसिकली विंड टर्बाइन को जो है वो रोटेट करता है. द रोटर टर्न्स अ जनरेटर विच मेक्स इलेक्ट्रिसिटी. ठीक. कहते हैं कि इसके टर्न करने से होता क्या है कि, अब मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती कैसे है. शायद मैंने ये पहले बात जो है ना लेक्चर्स के अंदर कभी मैंने कर दी हो. बेसिकली होता क्या है कि आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, बिल्फर्जी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर इसके अंदर आप किसी कंडक्टर को जो है, मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किसी कंडक्टर को जो है, ठीक है, इसको मूव करवाओ, ठीक, तो उसकी मूवमेंट से जो चीज़ बनती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. क्या मैंने बोला है? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को मूव करवाने से क्या बनता होता है? इलेक्ट्रिसिटी बनती होती है. इस ये मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब आपने इसके अंदर जो है ये जो आपका वो है एक कंडक्टर है, इसको आपने जो है मूव करवाया है या रोटेट करवाया है आपने. ठीक है. मैं इधर लगा भी देता हूँ, अगर मुझे इधर रोटेशन का साइन मिल गया तो. नहीं मिल रहा. ये बेसिकली ये करता क्या है, ये रोटेट करता है. ठीक है ना. ये चाहे सर्कुलर रोटेट करवा लो इसको, चाहे सेमी सर्कुलर इसको जो है ना वो रोटेट करवा लो, ये रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ये क्या है जो मैंने बनाई है आपके सामने, ये है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और ये बेसिकली क्या है, ये है कंडक्टर. ठीक. कंडक्टर जो है बेसिकली ये रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फिर उससे क्या बनता होता है, उससे बेसिकली करंट बनता होता है. ठीक है. जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. ये जो आपका पंखा है ना, ये रोटेट जो है, इसके पीछे आप एक तरह से ये बोल लो कि एक तरह से कंडक्टर लगा हुआ है. इसके रोटेट करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले से बनी होगी. वो कैसे बनती है बताता हूँ आपको. उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस प्रोपेलर का ये काम है, इस रोटर का, या ये जो आपका प्रोपेलर लगा हुआ है, इसका काम ये है कि इस कंडक्टर को इसने रोटेट करवाना है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊँ तो इस बॉक्स के अंदर एक ना वायरिंग सी होती है, वो बनाती है मैग्नेटिक फील्ड. और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके पीछे एक रोटर, इसके पीछे जो है इस पंखे के पीछे एक लगा हुआ होता है कंडक्टर, जो रोटेट होता है इसकी मूवमेंट के साथ. तो उस रोटेशन से जो है ना क्या बनती होती है, उससे बनती होती है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो ये उसने इसके अंदर बोला हुआ.
तो हम कहते हैं कि चूंकि जो ये कंडक्टर को रोटेट करवाने में हाथ किसका है, विंड का है, क्योंकि विंड ही इस प्रोपेलर को मूव करवाती है ना। अब पहला लफ्ज़, पहली चीज़ क्या हुई, पहली चीज़ जो है वो विंड है। विंड क्या करेगी, वो प्रोपेलर को रोटेट करवाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि प्रोपेलर को रोटेट करवाने के बाद जब प्रोपेलर रोटेट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कंडक्टर जो है विल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता होता है तो उससे क्या बनता होता है, हमने पढ़ा हुआ इसको, कि उससे जो है ना करंट बनता होता है, जो कि बेसिकली है इलेक्ट्रिसिटी। ये चार स्टेप्स हैं, तो इन चारों स्टेप के अंदर अगर आप पहले को निकाल दोगे विंड को, तो कोई स्टेप जो है टेक प्लेस नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये विंड टरबाइन है, क्योंकि प्रोपेलर को रोटेट ही जो है ना क्या करवा रही है, वो विंड करवा रही है। बेसिकली ये इसने लिखा हुआ है पहले आपकी जो है ना दूसरी दो नंबर स्लाइड के अंदर, कि द रोटर टर्न जनरेटर विच मेक्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस कंडक्टर को जो है ना वो बेसिकली जनरेटर का जो है ना उसने नाम दिया हुआ। मैं अगली बात स्लाइड में शुरू करता हूँ, अगले वाली में।